स्लीपिंग फादर ऑफ कोरोना, इसको लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं तो ये जो है अमेरिका का ये दामाद बन गया। अरे ससुरा तू नहीं, जो बाइडेन वो पगला थोड़ी है। कोई भी देश अपने यहाँ एक मुखिया चुनाव जीतता है ना, तू अपने गांव के बारे में सोचता है, बाद में दूसरे गांव के सोचता है। तो भैया देश के राष्ट्रपति हैं लोग, हम लोग पहले अपने बारे में, कोई भी अपने बारे में सोचेगा। तो ये बहुत उड़ रहा था, ये बैठे रहेंगे जब हमारे इतने अच्छे अच्छे पड़ोसी हैं सब। तब सिक्किम बॉर्डर पे बहुत ही भीषण बर्फबारी होती है। कुछ दिन पहले एक चाइनीज चचा घुस गया था उसमें, हमारी फौज इंसानियत दिखाते हुए इन चाइनीज को क्या कर दी, वापस कर दी। अब पता चलता है कि ये चट्टे जानबूझ के घुसे थे सब। हम तो भारतीय सेना को भी कहते हैं कि हाँ भैया आप एक कोई काम कीजिए, जब भी कोई चाइनीज नारियल छुआड़ा गरी सब शकल वाला दिखाई दे सब, तो आप बोलिए ही नहीं कि कोई चाइनीज पकड़ा गया है। उन सबको सिंपल तरीका, दब के बर्फ में गाड़ दीजिए साला का, दो तीन दिन बाद निकालिए, कहिए कि एक चाइनीज छुआड़ा आया था दब के मर गया, हम करे बर्फ हमारी घरे थोड़े पड़ता है यही, नहीं तो आप पकड़ लेंगे। हम लोग लोकतंत्र वाले हैं, हम लोग में भी एक ये है कि हम लोग कानून के हिसाब से ही कोई काम करते हैं। लेकिन ये जवाब जरूरी है, वरना उन लोग का सारा रास्ता भटकना भुला जाएगा। भारत में लोगों को मास्क लगाने में दिक्कत होती थी, जिन जिन लोगों को हजार दो हजार कुछ ज्यादा रास्ता भटकते हैं, जिस दिन दो चार साले हरामी ये लोग बर्फ में गड़ा जाएंगे ना, उसके बाद इन लोग का रास्ता भटकना भूल जाएगा। इनकी शकल साले जिस तरह से ये खाना खाते हैं उस तरह से तो इनकी शकल अच्छी ही है, मगरमच्छ खाया होगा ये साला, पता नहीं क्या खाया है, बंदर खा गया होगा ये। तो जैसा खाएंगे वैसे ही आपका शकल होगा, वैसे